हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये स्पेशल सा पालक पनीर। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब पालक पनीर खाते हैं और उसमें जो खड़े मसाले आते हैं, अदरक लहसुन जिस तरह से आते हैं, तो वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो हम इसको कुछ स्पेशल सा बनाएंगे, कुछ टेम्पिंग सा, ताकि बच्चे अट्रैक्ट होकर ये पालक पनीर खा लें। ये देखिए कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। तो बच्चे इसको आई होप कि बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से कुछ रेसिपी अलग तरह से बनाना चाहते हैं तो मेरे संग बने रहिए आखिर तक। इस वीडियो में स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है यह आधा किलो पालक और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और मैंने, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसके कुछ डंठल भी रखे हैं और साथ में मैंने ये पानी बॉईल करने चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ये पालक जो है इसको डाल देंगे ताकि इसका जो कलर है एकदम ग्रीन रहे, चेंज ना हो। और मैंने कुछ डंठल भी रखे हैं इसलिए ताकि वो पालक के संग अच्छे टेस्ट में आते हैं। तो हम इस तरह से इसको सारे पालक को डाल देंगे इसमें और इसको हल्का सा उबाल लगा लेंगे ताकि ये जो अच्छे से पालक है हमारा पक जाए। बस इस तरह से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के लिए। उतनी देर में हमारा ये पालक बनके तैयार हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, 7 मिनट इसको हो चुके हैं बॉइल्ड होते हुए और ये अच्छे से एकदम पक चुका है। अब हम इसको, पालक को निकाल लेते हैं। अब गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी और अब इस पालक को हम निकाल लेंगे। तो पालक को हमने बस ध्यान रखना है कि हमने जो पालक, गरम गरम पालक है, इसको हल्का ठंडा करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम ये ठंडे पानी के अंदर। ये मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है, इससे जो इसका कलर है वो चेंज नहीं होगा और जो भी इसका टेस्ट है वो ऐसे ही बना रहेगा। तो मैंने इसको ये ठंडे पानी के अंदर डाल लिया है। इसके बाद अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये जार के अंदर पालक चला गया है, अब हम इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं जल्दी से। तो पेस्ट बन के हो चुका है तैयार। अब हम जल्दी से इसका मसाला बना लेते हैं क्योंकि हमें ये रेसिपी जल्दी से बनानी है। तो हम इसका मसाला रेडी करते हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये ग्रीन कलर का लग रहा है एकदम पेस्ट। इसी के साथ मैंने बर्तन में ये ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, ऑयल मैंने डाल लिया था इसके अंदर। और इसी के अंदर मैंने डाल दी थी ये एक छोटी सी प्याज, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा। तो मैं इसका अच्छा से एक रंग आने देती हूँ, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का गोल्डन हमने करना है अनियन को। तो बस जैसे हमें लगेगा ये एकदम अच्छे से पक चुके हैं तो इनका रंग काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसी के साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसमें कोई भी खड़े मसाले जो है यूज़ नहीं करेंगे और जो भी है जिंजर गार्लिक हम इसको काट के नहीं डालेंगे क्योंकि वो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने इसलिए पेस्ट यूज़ किया है इसका। मेरे बच्चे तो नहीं खाना पसंद करते इसलिए मैंने पेस्ट यूज़ किया है, लेकिन अगर आप खाते हैं और बच्चे आपके खा लेते हैं तो आप इसमें उनको काट के भी डाल सकते हैं। तो इसी के साथ में मैंने ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा सा इसमें आ जाए और इसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए। इसी के साथ में मैंने ये 3 टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार करी हुई थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस अब इसको अच्छा सा हम भुनने देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से हमारे पक जाएं। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि टमाटर के बाद नमक जो है डाल देने से टमाटर अच्छे से पक जाते हैं और मसाला हमारा जल्दी से बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ में मैंने डाल दी है ये 1/3 स्पून हल्दी, हल्दी पाउडर हमने कम डाला है। और इसके साथ में मैंने डाल दिए है ये 1.5 चम्मच लाल मिर्ची। बस इसमें और कोई मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। अब बस इनको अच्छा सा हम भुनने देते हैं ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। उसके बाद इसके आगे के प्रोसेस में हम चलेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट हमारे मसाले को भुनते हुए हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि ऑयल एकदम ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। तो एकदम मसाला हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये 1.5 चम्मच बेसन। बेसन हम इसलिए डालते हैं इस टाइम पर ताकि जो मसाला है हमारा, जो पालक है, वो अच्छा थिक हो जाता है और उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने ये पहले 1/2 चम्मच डाला है और उसको चला देंगे ताकि इसके लम्प्स ना पड़ें।
अब इसके बाद मैं एक चम्मच इसमें और डाल दूंगी और जल्दी जल्दी हम इसको चला लेंगे। इससे आप देखिएगा कि मसाला कितना अच्छा ठीक हो जाता है और पालक भी एकदम गाढ़ा हो जाता है। देखिए मसाला एकदम तैयार हो चुका है हमारा और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ठीक हो चुका है मसाला। तो इसी तरह से हमें इसके मसाले को तैयार रखना है क्योंकि ये जो पालक है वो काफ़ी पानी छोड़ देता है पकने के बाद, इसलिए बस अब इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, ताकि जो मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये मसाला पक चुका है और बेसन भी अच्छे से पक गया है अब, क्योंकि इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस टाइम पर हमने जो पालक की प्यूरी बना रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम ये पालक को डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से चला लेंगे। तो ये पालक मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से चला लेते हैं ताकि मसाला जो है पालक के साथ अच्छी तरह से मिल जाए हमारा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत सारे मसाले ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनमें एक अच्छा सा अपना ही टेस्ट होता है और वो जितनी कम मसालों के साथ बनाई जाए उतना ही अच्छा टेस्ट उसका आता है और उतनी ही हेल्दी वो होती हैं। अब इस पालक को हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये पालक बहुत ठीक हो चुका है। अब इसको अच्छे से हम उबाल आने देंगे और बहुत अच्छे से हम इसको पकाएंगे ताकि जो पालक का कच्चापन है वो निकल जाए और एक बहुत अच्छा सा मसाला पालक के साथ मिलकर के तैयार हो जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 3 मिनट हमारे इस पालक को पकते हुए हो चुकी थी, 3 से 4 मिनट, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका रंग आ चुका है और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पनीर, क्योंकि हम ये पालक पनीर बना रहे हैं। तो पनीर की पीसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से मोटे या पतले जिस तरह से आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर पनीर ऐड कर देंगे और पनीर ऐड करने के बाद भी हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे कम से कम, ताकि जो पनीर है उसके अंदर भी पालक पहुंच जाए। और अगर आप पनीर ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो आप इसको कम पकाइएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये पका हुआ अच्छा लगता है तो मैं इसको डालने के बाद थोड़ा सा और पकाऊंगी 2 से 4 मिनट के लिए। तो इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम इसको ढक्कन को हटा के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हम कितना अच्छा ये गाढ़ा एकदम हो चुका है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो ये बनके अब एकदम तैयार है हमारा पालक पनीर। अब इसका और अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ये फ्रेश क्रीम, इससे जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। तो बस अब हमने इसमें क्रीम डाली है तो इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसको 2 मिनट के लिए और हम धीमी आंच पे पकाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि क्रीम जो है एक अच्छे से अपना रंग ले ले। और इसको और टेम्पटिंग दिखाने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर ये 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब हम इसमें बटर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब पालक बन ही रहा है तो उसके अंदर जब बटर जाता है तो उसका टेस्ट और आप जैसे कि जानते हैं बहुत अच्छा हो जाता है। इसी के साथ में मैं डाल दूंगी इसके अंदर 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये 1/2 चम्मच ज़ीरा। इसका बस अच्छा सा रंग आने देते हैं और इसको ऊपर से हम डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेगा ये। तो बस बटर अच्छे से हमारा पक चुका है और मिर्चों ने भी अच्छा सा कलर एक ले लिया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे अपने पालक पनीर के अंदर इस तरह से, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो बनकर तैयार हो चुका है बेहतरीन सा हमारा पालक पनीर। इसको मैंने ऊपर से पनीर को ग्रेट कर दिया था इसके अंदर, ताकि जो ये हमारा पालक पनीर है एकदम बाहर का लगे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है खाने में इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना जल्दी ये बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही कम मसालों में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी ज़रूर से करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी इसी तरह से आपके वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। तो मैं अब चलती हूँ आपके लिए और बेहतरीन रेसिपी लाने के लिए। देखते रहिए आप मेरी वीडियोज़ आगे भी। तो
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।